स्वागत है आप सभी का आपका अपना अमूस किचन में। आज बना रहे हैं पालक पनीर, सबका फेवरेट। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, मतलब एकदम इजी रेसिपी है। इसे बनाने के लिए आपको लगेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैन लें, 3 टेबलस्पून ऑयल, जो भी ऑयल मतलब रिफाइंड ऑयल, एक छोटी सी दालचीनी, 2 इलायची, 2 से 3 लौंग, इसे मिक्स करें, 2 मीडियम साइज प्याज, इस तरह से काट लीजिए, थोड़ा बड़े से काट लीजिए, अच्छे से मिक्स करें, तो थोड़ा कलर हल्का ब्राउन होने तक इसे मिक्स करें। हल्का ब्राउन हो रहा है, 2 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज टमाटर डाला है। बेसिकली हम इन सभी को मतलब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे, आपको बताएंगे। देखिए अब पालक बढ़िया सा धो लीजिएगा और इसे काट के इस तरह से डाल दीजिए इसमें। इसे भी अच्छे से मिक्स करें। बेसिकली ये सारे चीज़ों का रॉ जो स्मेल है ना, उसका रॉ निकल जाए इसमें से। थोड़ा सा धनिया पत्ती ऊपर से डाल दीजिए, मिक्स करें इसे। सारी चीज़ अच्छे से मिल जाना चाहिए, बस 3 से 4 मिनट तक इसे पकाइए, बस 3 से 4 मिनट तक इसे पकाइए मीडियम आंच पर। बस हो गया आपका। एक जार लें, अब ये सारी चीज़ जैसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद इसमें जार में डाल दीजिए। गरम गरम ना डालें, थोड़ा ठंडा हो जाए तब डालना। अब इसे फाइन पेस्ट कर दीजिए इसका, देखिए इस तरह बन गया ना पेस्ट। फिर से कढ़ाई लीजिए, 2 से 3 चम्मच ऑयल, हरी मिर्च एक बारीक कटी हुई। अब वो जो पेस्ट हमने पीस के रखा हुआ है ना पेस्ट, वो ऐड करिए पालक वाला, देखिए है ना। मीडियम आंच पर रखिए स्टोव एकदम, मतलब मीडियम आंच पर रखिए, प्यार से एकदम मतलब मिक्स करें सर। गैस एकदम स्लो रखिएगा। चलिए मसाला ऐड करते हैं, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार और गरम मसाला 1 टीस्पून। चलिए मिलाते हैं अभी सर, मिक्स करिए। कुछ नहीं है, देखिए सब बन जाता है, सब बना सकते हैं आप घर पे। एकदम मीडियम आंच पे से करिएगा, ये बहुत ही बढ़िया बनता है ये पालक पनीर, मेरा तो फेवरेट है ये। अब इसमें 2 टेबलस्पून दही डालिए, 1, 2 और फ्रेश क्रीम, यानी घर पे मलाई वलाई होगा तो 1 स्पून, मतलब 1 टीस्पून 1 टेबलस्पून मलाई मिलाइए। देखिए कितना रिच लगता है, मतलब ऑप्शनल है, मतलब आप क्रीम अगर आपके पास नहीं है तो ना डाले चलेगा, हमारे पास अवेलेबल था इसलिए हमने ऐड किया। बस इसी तरह 2 से 3-4 मिनट तक इसे, 2-3 मिनट तक इसे इसी तरह मीडियम आंच पे छोड़ दीजिए। अब इस पर पनीर ऐड करिए,
एक एक करके। वाह, पनीर डालते ही इस पर कैसा कितना अच्छा लग रहा है। बस एक एक करके इसे पलट दीजिए, मतलब सारे पालक इसके साथ मिक्स हो जाए पनीर के साथ में। मीडियम आंच पर रखिए स्टोव, एकदम मीडियम आंच पर। बन गया आपका लगभग। अब उसमें कसूरी मेथी, ऊपर से थोड़ा कसूरी मेथी डाल दीजिए हाथ से मसल कर, हल्का सा मिक्स करें, मतलब जोर से, मतलब एकदम। बस हो गया आपका पनीर। ये हमने 3 से 4 लोगों के लिए बनाया, मतलब बटर नान के साथ या रोटी चपाती, बहुत टेस्ट होता है, मतलब बहुत ही टेस्टी होता है। तो लो, बन गया आपका पालक पनीर, फटाफट बन गया ना। तो आपको पता है क्या करना है, मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, आपका फेवरेट डायलॉग कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। किसी तरह घर पे बनाया करो, शेयर करो। स्टे होम, स्टे सेफ।